तो ये हो गया फेस रिवेल और मैं हूँ तेरा हरियाणवी। को नहीं होया यकीन सच्ची ना कर मेरा केजा है। छोड़ो यार मजाक कर रहा था, मैं हूँ ओजी डूड। दिस मैन गोना चेंज हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री मैन। ओजी डूड भाई तो करेगा, पर मैं डांडा न्योलियाड़े की बात करूंगा। जैसा कि तुम थंबनेल देख कर समझ गए होगे, इस वीडियो में मैं थरिशामी डांडा न्योलियाड़े की पोल खोलूंगा। मेरा मतलब डांडा न्योलियाड़े की जर्नी के बारे में बताऊंगा, और डांडा की पोल खोलने में मेरा साथ देगा ओजी डूड भाई। ओजी डूड भाई भी बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ है, तुम जाकर भाई के चैनल में भी चेक कर सको हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इब तू भी कम बोल दे भाई, अक्सर वीडियो मेरे पे बना होगा। तो आज की हमारी ये वीडियो कोलैबोरेशन है तेरा हरियाणवी भाई के साथ। भाई बहुत अच्छी वीडियो बना हुआ है, इसलिए भाई के साथ मैंने अपनी पहली कोलैबोरेशन करी है, उम्मीद है तुमने पसंद आओगी। तो डांडा न्योलियाड़े की जर्नी की शुरुआत हुआ है हरियाणा के हिसार के न्योली गांव से। इसके बाद यह गाड़ी हरियाणा तक निकल के ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाकर रुक के है। डांडा न्योलियाड़ा जो कि देश से बाहर बैठा हरियाणा की हिप हॉप इंडस्ट्री खातर बहुत बढ़िया काम करने लग रहा है। जिस टाइम डांडा न्योलियाड़ा ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, उस टाइम हिप हॉप हरियाणा ने चेंज की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। और जिसा म्यूजिक तय हिप हॉप हरियाणा में एंट्री ली थी डांडा ने, उस टाइम पर उसका म्यूजिक कोई भी नहीं कर रहा था। और डांडा न्योलियाड़े के गाने का म्यूजिक भी एक एक्स फैक्टर है हिप हॉप हरियाणा में उसकी ग्रोथ का। तो क्योंकि डांडा न्योलियाड़े के गाने में म्यूजिक कोई हरियाणवी नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलियन दिया करता नहीं इब्बी देवा है, एंड इस ऑस्ट्रेलियन का नाम है मैटी। मैटी सिर्फ ना डांडा न्योलियाड़े के गाने में म्यूजिक देवा है बल्कि डांडा न्योलियाड़े के पहले गाने अफगान में मैटी ने डांडा के साथ रैप भी कराया था। हाँ तो उल्टी म्यूजिक की बात करा तो मेरे हिसाब से तुमने बेरा होगा, हर जगह का म्यूजिक अलग होया करे। एंड डांडा न्योलियाड़े के गाने में मैटी का ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक हरियाणा में कुछ अलग था। तो जैसा ही ओजी डूड भाई ने थारे तो बताया था, डांडा के गाने में उसका म्यूजिक एक एक्स फैक्टर है डांडा की इतनी पॉपुलैरिटी का। इसके अलावा डांडा न्योलियाड़े के गाने का वर्सेटाइल होना भी एक फैक्टर है जिसके कारण डांडा के गाने और आता अलग हुआ है। डांडा के गाने का सिर्फ जोनर अलग नहीं होता बल्कि म्यूजिक भी अलग हुआ है, कदे ट्रैप कदे ड्रिल। इसके अलावा डांडा न्योलियाड़े के कंसेप्ट भी अलग हुए हैं, अगर तुमने बिच गाना सुना है तो तुमने बेरा होगा। तो डांडा न्योलियाड़े को मैंने उसके पहले सॉन्ग अफगान के बाद ही डिस्कवर कर लिया था, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये सॉन्ग सुना था ना, उस टाइम पे ड्रिल बीट सिर्फ DHS में सुनने मिला करती, और जिस ड्रिल बीट इस सॉन्ग में यूज कर रखी थी सुनते ही मजा आ गया था। हरियाणवी बोली के साथ ड्रिल बीट का जैसा कॉम्बिनेशन बिठा रखा था, इससे पहले मैंने और किसी हरियाणवी सॉन्ग में देखने नहीं मिला था। यो एक ऐसा कारण है जिससे मैं डांडा न्योलियाड़े ने शुरुआत से फॉलो करने लग गया था, और जब तक डांडा के सारे गाने आए हैं लगभग मैंने सारे सॉन्ग सुन रखे हैं, कोई एक आधा ही होगा जो कि छूट रहा होगा। इब लग मैंने डांडा न्योलियाड़े के इतने गाने सुन लिए, उन सब गाने में मैंने एक बात जरूर नोटिस करी है, चाहे गाना कैसा भी हो, रोमांटिक लव कूल वाइब, लेकिन उन सब में डांडा गन कल्चर या गैंगस्टर कल्चर घुसाए दे है, और यो भी नहीं हो है तो वो अपने पास्ट ने इस सब में घुसा दे है, जिससे हम गाने ने और भी ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप तक रिलेट कर पाए हैं। और यह भी एक ऐसी चीज़ है जो कि डांडा न्योलियाड़े ने बाकी हरियाणवी आर्टिस्ट से अलग दिखावा है। इसका अगला फैक्टर जिसके कारण लोग डांडा न्योलियाड़े ने पसंद करे हैं वो है मुंह पे सच बोलना। डांडा न्योलियाड़े अपने गाने में सच्चाई बोलने तक कति नहीं कतराता, चाहे सच्चाई सरकार की हो, चाहे किसी दूसरे कलाकार की या फिर समाज की। इतनी सच्चाई बोलने का कारण यो भी उसका है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना है, आई होप तेरा हरियाणवी की पब्लिक ने भी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुमने वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। अगर मेरा वाला पार्ट भी पसंद आया वीडियो में तो मेरे चैनल ने जाकर सब्सक्राइब कर लियो ओजी डूड। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या ना, मेरे और ओजी डूड भाई के चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लियो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जाकर कमेंट करके आई हो कि तेरा हरियाणवी चैनल पर आए हैं। राम राम।